तो ये है जैना मेंबर का संपर्क कार्यालय। अब मजा आएगी। दादा काम नहीं करते दोनों, काम नहीं कर। अरे आधे तू रुक रे, आधे मोदी घर के रुक रे, रुक। इधर आ, इधर आ, इधर आ। मोदी घर के पानी में भिगेली सुतली अटम बम के मुंह के अपुन मेंबर बन गए तो क्या बम लगा के पूरी ऑफिस को उड़ा देगा क्या तू? अरे दादा आज तू मुझे ना रोक मत, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये खुशी है ना मुझे फटाके खोलन दे, अपुन चुन के आए रे। अपुन चुन के नहीं आए, मैं चुन के आया। और तू कल से है ना प्लास्टिक चुनने जा, समझ रहा क्या? और तुम समझा दे रहा मैं, अब मैं बन गया मेंबर, मेरे पास अच्छे बुरे लोग आए हैं, तू जरा काम धंधे ढूंढ जाके, समझ रहा क्या? क्या दादा तू जल्लाद के वतन के ना तेवर बदल रहा। तू काम धंधा बदल दादा, तू है ना चिकना रोड बनाएंगे, गटरा बनाएंगे, अब कुछ वार्ड हो गए ना ऐसी छाती ना ऐसा सीना तान के चलेंगे, ऐसा ऐसा सीना टैग करके चलेगा है ना। हाँ? किसी ने दूर से बड़ा ही पत्थर कभी तेरी छाती में मारा ना तो मुंह में से तिल्ली फेफड़ा उजड़ी इतने इतने सब भारी गिरेंगे, मालूम है क्या? अरे एड़े अपने संपर्क कार्यालय खोले क्यों? क्योंकि लोग उनकी परेशानी लेके आएंगे, अपन उनकी परेशानी हल भी करेंगे और माल भी कमाएंगे, इसके वास्ते कार्यालय खोले ना दादा। ए दादा मैं तेरा है ना राइट हैंड है ना? मेरा राइट हैंड नहीं है, तू जगो जगो से बेंड है पूरी गत के, तुझे मालूम नहीं है मेरा इंटरव्यू होने वाला है, समझा ना? क्या मजा आएगा, टीवी पे टीवी वाला चिल्लाएंगे गौर से देख रहे इस शख्स को, बहुत कम उम्र में ये मेंबर बन गया। हेलो दोस्तों। अरे रुको, किसके टूथपेस्ट में नमक है और मेरे टूथपेस्ट में गरम मसाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं परसों तक, और आइए आज हम बात करेंगे हमारे खानदेश के कारपोरेटर जैनम मेंबर से। बगल में बागरे आ जाएंगे तेरे, अपन इलेक्शन में नहीं खड़े ले, अपन चुन के आ गए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं मेंबर साहब? सबसे पहला सवाल, आप कहाँ पैदा हुए? खटिया पे। हाँ, यकीन मानो मैंने कभी मेरी औकात नहीं भूला, वो फतोली मैंने आज तक संभाल के रखे ले, मालूम है क्या? मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आपके ऊपर कुछ लिखना चाहती हूँ। ये बिस्मिल्लाह लिखो, कहीं भी लिखो, खुदा के पूरा तुम्हारा है, यहाँ लिखेंगे हाथ पे लिखेंगे, बोलो कहाँ लिखेंगे। ये सब छोड़िए, आप हमें अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताइए। पार्टी के बारे में? पार्टी के बारे में तो पार्टी का कैसा है, बचपने से पार्टी करने का मेरे को बड़ा शौक है। ये उसके घर से डब्बा लाता था, मैं मेरे घर से डब्बा लाता था, फिर वहाँ मैं ना नीम की झाड़ के नीचे जाके डब्बा पार्टी करते थे। क्या रे है हम लोग तो डब्बे लेके आते बैठ के ना हम दोनों। हाँ। अरे मेंबर साहब, मैं आपके डब्बा पार्टी के बारे में नहीं, आपकी सियासी पार्टी के बारे में पूछ रही हूँ। सियासी पार्टी का? सियासी पार्टी का तो ऐसा है कि मैं तो पार्टी को मानता नहीं, मैं हमेशा है ना चलती गाड़ी में बैठते अपन, क्या रही शुरू से ट्रैक्टर की चलते ट्रैक्टर पे कूद के बैठते थे अपन, चलती ट्रक पे लटक के जाते थे अपन, तो मैं पार्टी में भी चलती पार्टी के साथ में रहता। मेरा उसूल है अपना काम बनता चूल्हे में जाए जनता। तो आप हमें अब ये बताइए कि जीत के आने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया? बता। क्या करे हमने? अरे बेटा जैसे ये जैना दादा चुन के आया ना तो दो डब्बे ना ऐसे फटाके लाए, तो सामने वाला जो मेंबर खड़े थे ना उसके घर के सामने उनने फटाके खोले। मैं काम की बात कर रही थी, काम क्या किया आपने? अरे केड़े वो काम का पूछ रहे, काम का पूछ रहे ना तुम? असल में देखो मैं जैसी जीत के आया वैसे मैं घर गया, घर पे पहले मैंने बर्तन धोया, बर्तन धो धा के सब रखा और बस यहाँ आके बैठ गया। हमारा फिगर कैसा हो जैसे दादा जैसा हो, हमारा फिगर कैसा हो जैसे दादा जैसा हो। अरे मेरा मतलब है आपने जनता के लिए क्या किया? अरे जनता के लिए क्या करेंगे हम ऐसा? अरे ये बात है, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो इलेक्शन लड़ने के वास्ते कर्जे उठाए लेना वो कर्जे फेड़ूंगा, उसके बाद फिर जनता का नंबर आएगा ना। अब आपसे आखिरी सवाल,
आप आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं? आवाम के लिए मैं क्या करूँगा? मैं क्यों आवाम के काम करूँगा? आवाम को उनका काम करा दो ना। अगर मैं उनके काम करने लग गया तो आवाम ऐसी हो जाएंगी, काम चोर हो जाएंगे। मैं सबको बोल दूंगा कि अपना काम खुद करो, समझ रहे ना? हाँ, बल पे बल, अपना बल पराई का बल चूल्हे में जल। हाँ कैसा हो? बस ना, बस ना, भूख लग जाती ना तेरे को बाद में फिर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ परसों तक। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद। अरे ओए बच्चे कुचे बंगाल के क्रांतिकारी, क्या बात है, जिंदाबाद मुर्दाबाद मत कर, वो हमारा काम है। बैठ, आराम से बैठ। अन क्या बात है, वो बोल नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। ए, क्या है तेरा, सीधा बोल बेटा। ये देखा ना चिंगारी हुक्का? ए ए आराम से दे, आराम से दे। ईड़े लोगों के चाय से ज्यादा केटलिया गरम रहते, साला मेरी ऑफिस में प्याली गरम है। बच्चो बैठ, उठा दे अपना वो। हाँ बोल, क्या मसला है तेरा? अरे मेंबर साहब, मैं बहुत आम आदमी है। अरे तू आम आदमी नहीं है, गुरु के हिसाब से ना चुसेवा आम है। चुसेवा? वो चुसेदा आम है, पिपल गाँव के मनुक्के। तू जरा सा मुंह को आराम दे, समझ रहा ना? तेरा मसला क्या है रे, वो बोल। अरे क्या बताऊँ मेंबर साहब, मैं बहुत तकलीफ में है। अगर तुम मेरी तकलीफ सुनेगी ना तो तुम्हारा कलेजा ऐसे मुंह में आ जाएगा। मैं भुक्का मार के कलेजा अंदर कर लूंगा। अभी तू तेरी खूब भरी दास्तान बता, क्या हुआ? अरे मेरे को दवा खाने के वास्ते ना तुम्हारी बहुत जरूरत लगेगी मेंबर साहब। तेरे हाथ में क्या छाले पड़ गए, अब क्या दवा गोली अब खिलाना तेरे को? अरे एड़े भजिए बात को समझ, वो दवा खाने की बात नहीं कर रहा, वो सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहा, दवा खाने की। मालूम है क्या, अपन लेके जाएंगे फिर वहाँ पे अपन डॉक्टर को बोलेंगे, ए, ये ऐसा कायदे में है क्या, हमको बताओ, नहीं तो हम तमाशा कर देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, फिर अखबार में न्यूज आएंगे। जैनिया मेंबर ने सिविल हॉस्पिटल में धमाल मचाया, समझ रहा क्या? ऐसा है वो। अरे मैं मरीज है ना, मैं तुम्हारे सामने पेशेंट बैठे लेना। तू पेशेंट है क्या, हुआ क्या तेरे को? अरे मेंबर साहब मत पूछो, मेरे को ऐसी सर्दी हो गई लेना कि मेरी नाक में ऐसा लग रहा पूरी बम्बई की ट्रैफिक जाम हो गए। अरे वाह, बुरी गत के कमाल के बात कर रहा तू तो। हम क्या तेरी सर्दी खांसी के वास्ते बैठे गए यहाँ पे, तेको दवा खाने में लेके जाएंगे? अरे तेरे दिखाम है तमाते। अच्छा हुआ तेको सर्दी खांसी हुए ले, अगर तेको कोई बड़ी बीमारी रहती ना तो तू सारे मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, सबको काम पे लगा देता, मेरा इलाज करा, मेरा इलाज करा। ओ मेंबर साहब, सर्दी खांसी के वास्ते थोड़ी आए ले मैं। अरे तो फिर काय को आएला है, ये बता मसला क्या है तेरा, वो बोल। मेरा पाँव ना बहुत दुख रहा और यहाँ से दो गली दूर दवा खाना है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होगा, तो तुम तुम्हारी गाड़ी के छोड़ दो जरा। चल चल निकल, भी काम है तमाशे मत बता, चल निकल जा। तो फिर तुमको चुन के लाए काहे के वास्ते हमने? जब तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, चुन के आने से पहले तो तुम क्या बोल रहे थे, एक बार मैं चुन के आगा मेरे भैया तो तुमको ये करा के दूंगा, हॉस्पिटल बना के दूंगा, और ये चुब्बे के मुँह का कितना उछल कूद कर करके बोल रहा था। और चुन के आने के बाद तुम्हारे ये तेवर बदली हो गए कि दो गली तुमको जाने जान प्यारी। नहीं चुन के आए ले, समझ रहे ना, याद है क्या बारीक बोलाटी अंधेरे की गली है, वहां जाके तूने मेरे से कितने पैसे लिया? 2500 रूपये लिया, 500 रूपये और तूने लिए ले मेरे हफ्ते, और यहाँ तक पैसे लिया तूने, वो जो तेरे दादा मर गए ना उनके भी पैसे लिया तूने, समझ रहा ना? यही बोलते लोग चुन के आने के बाद ना ऐसी करते मेंबर लोग, कली जब नहीं चुन के आए ना तो बोलते अगर मैं आ जाता तो ऐसी करता, मैं आ जाता तो वैसी करता। तो पैसे लिया कैसी है तूने, पैसे लिए ले तेरी नाक पे टीच मारे ले हमने, समझ रहे? आओ अगले साल और तुमको बताता हूँ, अगर गली में से नहीं अकाला ना तो मेरा नाम भी वक्की नहीं। अबे क्या लुक्का मेंबर चुन के लाए रे हमने, अबे बहुत बुरा फंसे रे। 5 साल बाद आऊंगा ना मैं, तो देखो अभी 500 रूपये दिया ना, 5 साल बाद देखो 1200 रूपये दूंगा, और तेरा अच्छा भी वोट देना रे हमको, क्या रे? वोट लेने के टाइम तो बड़े वाता कर रहा था। नहीं तो क्या बुरी हद कर, हम क्या दे रहा अपनों को। अरे मेरे बाप रे बाप।
अरे अरे वाह, अरे कितना चैलेंज आदमी। क्या हो दादा? हाँ, ये मेंबर की ऑफिस है क्या? नहीं, पान की दुकान है, पान पट्टी है। ये जो बैठा ना, ये है ना कत्थी की डंडी है, हमको है ना चूने का प्याला है, समझ रहे ना? और मैं 80 वाली विमल पाउच है। बोल टीपू क्या होना? Oh, क्या बोला दादा तूने? मेंबर है तू? अगर चल, ये मेंबर नहीं है। घंटा गाड़ी, घंटा गाड़ी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। चुबड़ रहे कुछ चुबड़? हाँ नहीं तो क्या? नदी की जत्रा का डांसर, क्या डांस भी कर रहा है, क्या नहीं तमाशे? वे दिखा में बात करना नहीं है। हाँ सीधा बोल, क्या काम के वास्ते आया था? मैं क्या करूं? अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे। चारिन, चारिन, इससे भी पैसे लिया था क्या तूने? नहीं दादा, मैं काहे को लूं उससे पैसे? अरे जान खाने को तक पैसे नहीं लूंगा इससे। काहे के तेरे पैसे? कौन थे तेरे पैसे? वो बोल। क्या बताऊं दादा, जो तेरे सामने खड़े था ना मेंबर, अरे उसके पीछे मैंने पूरे पैसे लगा दिए दादा, पूरे पैसे लगा दिया। औरत के जेवर व्यवहार फूल तोड़े गले में का सब डाव पे लगा दिया दादा। अरे करंटा हार गया दादा, दादा दादा उसने मेरे को लालच दिया था ना दादा, कि मैं पूरे गांव का ठेका कर रहा टेकू दे दूंगा। तू कमाना दुनिया का छाप, कोई तेरे सिवा ठेकेदार नहीं रहेगा। अरे दादा यहाँ तक मैंने उसके पीछे बिच्छी के पैसे तक दाव पे लगा दिया। बिच्छी लगा दिया तो इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? हम बाया के जैसा फोन फोन के रोने की जरूरत क्या है? हम दूसरी बिच्छी लगा ले। अरे काय की काक दोबारा लगा। अरे मेरा समझे रे, मेरा समझे रे, जो लोगों ने जमा करे थे, जो लोगों ने बिच्छी मेरे पास जमा करे थे, वो कहाँ से दूंगा रे दादा? अरे ये कैसी बात होगी मालूम है क्या? खुद का घर जलाया तो जलाया, जल्दी जल्दी दूसरे के भी घर में हक्काड़ा फेंक दिया उन्हें, मालूम है क्या? दादा ये बिच्छी कहूँ लग रहा है? अरे तू खामोश बैठ रहे, तू खामोश बैठ रहे फौड़िया, मैं कैसा पकड़ के कट्टे करके टक्कर रख दूंगा, आड़ा गिर जाएगा बेटा दादा खामोश उसको। क्या आड़ा गिराएगा? उसके पहले पुलिस में कंप्लेन करके ना देखो, आड़ा गिरा के टायर में फंसा फंसा के मारेंगे। ए दादा, ये टायर कैसा फंसेगा? कैसा फंसेगा? पुलिस खाली 3 डंडे मारेंगी ना, पूरा पेट चपटा हुआ बरोबर जाएगा। ए तू आया क्यों? काम क्या है तेरा? वो बोल रहे दादा मैं क्या कह रहा, कोई भी छोटा मोटा दे देना ठेका, तू मेरे को आया ना, मैं गटर दे दे, एक आध गटर दे दे दादा। ए! मेरी गटर के तरह बात डालना बात, वो मेरा ठेका है दादा, समझा दे इसको, तो यही चेचरा कर दूंगा। बस 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 बस, प्याले में तूफान अच्छा नहीं लगता, बुरी गत के गुच्छू बैठना है, गटर में जब बिस्तर लगा के सोएगा क्या तू? तो क्या क्या होना देखो, ठेका होना देखो, ठेका तो मैं है ना, ना गटर का दूंगा, ना मैं स्लेब का ठेका दूंगा, दूंगा ठेका मगर एकदम नवा, जो पूरे हिंदुस्तान में है ना, किसने किसको दिया नहीं होगा मालूम है क्या? कौन सा ठेका दूंगा मैं तेको मालूम? काय का ठेका दादा? अपने गांव के हर मेन रोड पे, बाजार के अंदर, पुल के ऊपर, हाईवे रोड पे एक आदमी खड़े रहेगा रोड के बीचों बीच में, या चौड़ा पट्टा लेके मालूम हाथ में। और ये जो आजकल के बच्चे है ना, ये चाले टायर वाली गाड़ी लेके जो जाते ना रोड पे से, है ना, उनकी पीठ पे सट करके मारने का, कि बड़ा चौड़ा पट्टे का वल पड़े। उनको समझ में आने होना कि उनके माँ बाप है ना, उनको 15-20 साल है ना, दुख से, प्यार से, बीमारी से, सीमारी से, हर मौसम से लड़ते लड़ते पालते, घर पे जीत करके माँ बाप से गाड़ी लेते, जब भगाते या तो सामने वाला मरता या तो गाड़ी स्लिप होती, सर करके जाते ना, हाँ, तो फिर इनके माँ बाप इनको दवा खाने में लेके भागते, और माँ बाप है ना दवा खाने के बाहर बैठ के और रोते रहते। हम सोचते कि हमने हमारे बच्चे को पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, सब करे, काहे के वास्ते? कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हैं? और 10 मिनट के बाद डॉक्टर भाद आता है और क्या बोलता मालूम है क्या? आई एम सॉरी, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाए। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों,
अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। हाय दोस्तों, दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल चेरी फ्लेक्स को सब्सक्राइब कीजिए।